हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता की। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ खेतों में। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में। तो महिला मंडल की सचिव हूँ मैं, और प्रधान है नानी जी, और समूह के सचिव बुआ जी हैं, वो आ रहे हैं। तो सचिव जिनका लेखा जोखा का काम होता है वो पहले जा रहे हैं। देखते हैं अब कितने लोग आते हैं अपनी समझ से ही। और आज ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इस पेड़ की छांव में खड़ी हूँ। धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, और बुआ जी भी आ रहे हैं। और सामने का व्यू कुछ इस तरह से आप खुद देख सकते हो कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरी तो आंखें बंद हो रही है यहाँ पे। ये देखो सामने का व्यू कुछ इस तरह से है, और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और इतनी ज़्यादा मौसम यहाँ पे ख़राब हो चुका है ना, इतनी गर्म हवा चलती है यहाँ पे। और नीचे से आई है अनु, कन्या पूजन किया है किसी ने। मैं पूछती हूँ, अनु कहाँ जाके आए बेटे, आप बता दे हा? मंदिर से कौन है मंदिर में? तो आप आपको किसने बुलाया था हा? तो किसी ने ना कन्या पूजी है, लास्ट नवरात्रा था, तो इसको नहीं मालूम कि किसने बुलाया था, लेकिन ये चले गए थे। तो ये देखो यहाँ से आ रही हैं बुआ जी और अनु चले गए। और अभी देखो कितनी धूप है, और हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। ये देखो और धूप इतनी ज्यादा है ना, आंखें ऐसे बंद हो रही है हमारी। मंदिर में लगा कन्या पूजी घुस गए ना? नहीं, कार गए थे। अच्छा, योरियो गए थे, ये बोले मंदिर गए थे। तो ये रास्ते का व्यू, नानी मीटिंग आ चला। हाँ जी हाँ जी, मीटिंग आ जो। और देखो ये हमें कैसे देख रहे हैं घूर घूर के। नहीं खान दे नहीं हमारा, तो ये हमें बुलाने आए थे भंडारे में। आज है सारली में भंडारा, तो चलते हम धीरे धीरे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बिच्छू बूटी, जो हम अक्सर यहाँ पहाड़ों में ना लोग बच्चों को डराने के काम आते हैं। तो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो उधर बाथरूम पे ना बाहर शीशा रखा हुआ है, और ये चिड़िया उस पर अपने आप को देख के, देखो ये सोच रही है अंदर एक और चिड़िया है। अब चली गई। तो अभी सुबह के 9:15 हुए हैं, और हस्बैंड जी अभी कर रहे हैं धूप बत्ती। फूल देखो ना कितना चढ़ा, इनको आदत नहीं है ना, डैडी करते हैं पूजा। तो देखो मैं भी दिखाती हूँ, फूल चढ़ा दो वहाँ पे, इतने सारे फूल है, सारे फूल चढ़ाओ वहाँ पे। इन्होंने करी है पूजा, देखो भगवान को फूल ही नहीं चढ़ाए इन्होंने। तो आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश, ये देखो, और पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और मैं अभी आई थी चाय बना, तो जल्दी से ही बारिश आ गई एकदम से ही। आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बारिश कितने ज़ोरों की हो रही है, ये देखो। और पहाड़ों में ना मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, और नीचे वो देखो कचनार के फूल हैं, और बारिश बहुत ज़्यादा
हो गई है, कम से कम 15 मिनट हो गए हैं लगातार बारिश हुए। और पहाड़ों का मौसम देख सकते हो आप, पहाड़ अब धीरे धीरे छुपना स्टार्ट हो गया। और ये जो ब्लैक कलर के, ये देखो ये ब्लैक कलर के जो बादल आए हुए हैं ना, ये पूरे बरस के जाएंगे, ये देख सकते हो आप। तो जब तक ये पूरे बरस ना जाएंगे तब तक बारिश होती ही रहेगी। और हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरह से है, और आप ये देख सकते हो बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे नीचे वाले फ्लोर में जाने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं फ़ोन जल्दी से लाई हूँ क्योंकि चार्जिंग पे लगाया हुआ है। और बारिश में हमेशा हमारी यहाँ दिक्कत रहती है कि लाइट चली जाती है, और इसमें बैटरी बहुत ही कम है क्योंकि मैं चार्ज बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वीडियो चलाना देखना वो भी आज से ही स्टार्ट कर रही थी मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़े से हाथ थोड़े हल्के हल्के ठीक हो रहे हैं। लेकिन हस्बैंड जी डांट रहे थे कि अभी फ़ोन नहीं लेना है, फ़ोन को साइड में रखो, मुझे फ़ोन ना लेने नहीं देते हैं ज़्यादा, तो ये ड्यूटी चले गए हैं। तो पीछे से मैंने थोड़ी सी वीडियो देख ली है, और आप देख सकते हो उधर फ्लावर का प्लांट है, वैसा ही इधर है। और हवा बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल सकते भयंकर वाली हवा चल रही है, भयंकर वाली भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, सामने देखो आप, यहाँ देखो ये ना ये ऊपर जो छत है यहाँ से भी पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है। और इस साइड में दिखाती हूँ आपको कैसे आ रही है बारिश, ये देखना, ये देखो बारिश बिल्कुल बहुत तेज़ हो गई है। और ये देखो अभी हमारी यहाँ मौसम खराब है, रेन, ये देखिए ये जो ऐसे ये रेन बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये देखिए ऐसे अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। ये देखो आप देख सकते हो ये रेनबो, मौसम ख़राब है ना हमारे यहाँ, और ये है रेनबो, कितना सुंदर नज़ारा है। और ना जहाँ रेनबो होता है वहाँ पे लाइट ही कुछ अलग होती है, ये देखिए। और इस साइड आप देख सकते हो भाई भयंकर वाली हवा चल रही है, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे ना रेनबो ऐसे हम देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मोबाइल में इतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखो अब मैं ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि हाथ में दिक्कत होना फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं घर चलती हूँ, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, पति देव आ गए हैं, और चलती हूँ, नहीं तो फिर डांटेंगे अगर ये मुझे फ़ोन में देखेंगे ना लगे हुए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उनके सामने उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, तो वो तभी देख रहे थे ऐसे दूर दूर के कि अब फ़ोन पे लग गई है ये, तो बहुत ही केयरिंग है। लेकिन मुझे ना थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ मैं, तो थोड़ा सही रहती हूँ। और पीछे देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है पीछे पहाड़ का। और मैं दिखाती हूँ ना दादाजी यहाँ अपने बकरियाँ लेके आए हैं, और बहुत ही प्यारी बकरियाँ उनकी, ये देखो। इस कैमरे में ना जूम का ऑप्शन नहीं है, पता नहीं क्यों। ये देखो अब जा रही हूँ मैं घर, घर का रास्ता भी शेयर करती जाऊंगी आपके साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये कहाँ लगी?